हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को समझने के लिए हम लोग ने इस टॉपिक को बहुत इजी बना दिया है, और इसमें जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं आप उसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ हम आपको एग्ज़ाम्पल्स भी देते रहेंगे ताकि आपको लर्न करने में ईजी रहे। तो हमारे पास टोटल 7 प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के। पहला है कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ सबोगेशन, इंडिमनिटी, कॉजा प्रॉक्सिमा, अटमोस्ट गुड फेथ और मिटिगेशन ऑफ लॉस। तो इसको लर्न करने के लिए हमने एक मतलब फार्मूला डिज़ाइन किया हुआ है, जिसको मतलब कि अगर आपको ये लर्न नहीं हो पा रहा है इस सीरीज़ में, या फिर आप भूल जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन या फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये सब भूल जा रहे हैं, तो उसको याद करने के लिए हम लोग ने एक नया फार्मूला डेवलप किया है। इसको आप देख सकते हैं, CIDICU। तो CID का मतलब यहाँ पे आ जा रहा है C फॉर कंट्रीब्यूशन, I फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट, D फॉर सबोगेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सबोगेशन, अगेन I फॉर इंडेमनिटी, अगेन कॉजा प्रॉक्सिमा एंड अटमोस्ट गुड फेथ, बट मिटिगेशन ऑफ लॉस आपको खुद से याद करना पड़ेगा। तो ये CIDICU आप इजीली लर्न कर सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं जैसे कमर्शियल स्टडीज़ का, तो इंश्योरेंस के क्वेश्चंस हर बार आते हैं, तो अगर आप इसको लर्न करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। अब इस सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। पहला है कंट्रीब्यूशन। दिस प्रिंसिपल गिव राइट्स टू इंश्योरर हु हैड पेड क्लेम टू द पॉलिसी होल्डर कैन कॉल अदर इंश्योरेंस कंपनी टू कंट्रीब्यूट इन द पेमेंट। अब देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इंश्योरर का मतलब हो गया इंश्योरेंस कंपनी। तो ये जो प्रिंसिपल है ये राइट देता है इंश्योरेंस कंपनी को कि अगर कोई किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस हुआ है, और उस चीज़ का जो इंश्योरेंस हुआ है वो कई कंपनियों ने किया है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस का इंश्योरेंस कराना था, 20 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस वहाँ पे हो सकता था, लेकिन अब जो वेयर हाउस के ओनर थे उन्होंने इंश्योरेंस कराया 3 अलग अलग कंपनियों से। एक कंपनी से 10 लाख का कराया और 2 अलग अलग कंपनी से 5 लाख का कराया। तो इस कंट्रीब्यू अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, मान लीजिए वेयर हाउस में आग लगती है, और अगर क्लेम कर किया जाता है, मान लीजिए अगर आग लगती है, हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल सेट कर लेते हैं, जब आग लगती है जो नुकसान होता है वो टोटल होता है 10 लाख रुपीज़ का। तो इंश्योरेंस का जो पॉलिसी होल्डर है वो जाके पहली कंपनी जिसे 10 लाख का इंश्योरेंस कराया है उसको जाके क्लेम कर देता है। तो उस कंडीशन पे उस इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट है कि वो बाकी दो इंश्योरेंस कंपनी से बात करके वो सारा लॉस जो है वो एक उस रेशियो में कवर करे जिस रेशियो में लॉस को मतलब इंश्योरेंस किया गया है। मतलब जो जिस कंपनी ने इंश्योरेंस किया है 10 लाख रुपीज़ का, वो लॉस कवर करेगा 5 लाख का, और जो इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया है मतलब इंश्योरेंस किया है 5 लाख का, वो इंश्योरेंस कवर करेगा 2.5 लाख का, मतलब 2,50,000 का। तो कहने का मतलब ये है कि अकेले एक इंश्योरेंस कंपनी को पूरा लॉस सहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई यही है कि अगर कंपनी मतलब वेयर हाउस का जो भी मालिक है वो अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस लेता है एक ही प्रॉपर्टी पे, तब ये कंट्रीब्यूशन जो प्रिंसिपल है अप्लाई होगा। नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बिना कोई भी इंश्योरेंस हो ही नहीं सकता। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट में एग्जिस्ट बोथ एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एट अ टाइम ऑफ लॉस, इट एक्सेस इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हो तो वहाँ पे दो पार्टीज़ के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी का इंश्योरेंस करा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप किसी का इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, तभी आप उसके नॉमिनी बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला इसमें दिया हुआ है क्रेडिटर हैर इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द डेटर्स लाइफ। मान लीजिए कोई एक डेटर्स है, उसने 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया हुआ है किसी क्रेडिटर से। बेसिकली ऐसा होता है, अगर आप बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेते हो तो बैंक का इंश्योरेबल इंटरेस्ट आप में हो जाता है, क्योंकि आपका 10 लाख रुपए बाकी हो जाता है। तो उस कंडीशन पे अब बैंक करता क्या है, पार्टी का इंश्योरेंस कराता है और नॉमिनी बैंक खुद बन जाता है।
अगर जो पार्टी लोन ले रही है वो पेमेंट नहीं कर पाती है किसी केस में, या फिर और साथ ही साथ वो उसका डेथ हो जाता है, तो उस कंडीशन पे, डेथ के कंडीशन पे, मतलब पेमेंट नहीं हो पाया और वो डेथ हो गया है उसका, तो उस कंडीशन पे जो इंश्योरेंस कंपनी है जो पूरा पैसा है वो बैंक को देगी। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसी को कहते हैं। मतलब एक फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है, तो उस कंडीशन पे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का इंश्योरेंस नहीं करा सकता, क्योंकि उनका कोई आपस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फैमिली मेम्बर्स का आपस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, जैसे वाइफ और हस्बैंड का हो गया, सन और फादर का हो गया, इन लोगों का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। तो ये एक दूसरे की पॉलिसी ले सकते हैं और उसमें वो नॉमिनी भी बन सकते हैं। लेकिन दो फ्रेंड बहुत अच्छे फ्रेंड है लेकिन वो नहीं ले सकते एक दूसरे की पॉलिसी। हाँ, ये अलग बात है कि वो उधार दे दें, तब उस कंडीशन पे उधार अगर उन्होंने दे दिया, कुछ क्रेडिट पे दे दिया पैसे, तब उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ सबोगेशन। इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अ राइट टू सबोगेट विद द एक्सटेंड ओनली टू द अमाउंट ऑफ द सम इंश्योर्ड। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सबोगेशन ये कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी उतना ही लॉस बियर करती है जितना का आप इस उससे इंश्योरेंस लेते हो। जैसे एग्जांपल, अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके जगह पे आ जाती है, पहला तो ये। उसके बाद मान लीजिए आपने इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस लिया और आपका लॉस हो गया 7 लाख का, तो उस कंडीशन पे इंश्योरेंस कंपनी केवल 5 लाख का ही आपको कवर दे सकती है, क्योंकि आपने जो पॉलिसी खरीदी है इंश्योरेंस कंपनी से वो 5 लाख की खरीदी है। अब दूसरा एग्जांपल, इसमें एक और एग्जांपल है, मान लीजिए आपका, आपने इंश्योरेंस कंपनी से लिया है 5 लाख का इंश्योरेंस और आपका जो लॉस हुआ है वो केवल 40,000 रुपीज़ का हुआ है, तो उस कंडीशन पे इंश्योरेंस कंपनी आपको केवल 40,000 देगी, 5 लाख नहीं देगी। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि आपका लॉस हुआ था जो 40,000 रुपीज़ का, आपने 10,000 रुपीज़ का लॉस अपने मान लेते हैं नेबर से रिकवर कर लिया, क्योंकि आपने अपने नेबर से बोला कि नहीं आपके वजह से मेरा लॉस हुआ है और कुछ भी हुआ उसका, उसके कारण उन्होंने 10,000 रुपीज़ आपको दे दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट होता है उस पैसे को रिकवर करने का। क्यों? क्योंकि आप इंश्योरेंस से पैसे नहीं कमा सकते, बस अपने लॉस शेयर कर सकते हो। तो अगर आपको वो आपका नेबर पैसा नहीं दिया तो उस कंडीशन पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा 40,000 देगी, लेकिन अगर आपके नेबर ने आपको 10,000 दिया है और कंपनी ने आपको 40 पे कर दिया, तो कंपनी 10,000 रुपीज़ आपसे रिकवर कर लेगी। तो ये बोलता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सबोगेशन। अब आते हैं हम लोग इंडेमनिटी में। इट मीन्स प्रोमिसिंग टू कंपनसेट इन द केस ऑफ लॉस। द पॉलिसी होल्डर हैज़ अ राइट टू रिकवर फ्रॉम द कंपनी ओनली द एक्चुअल लॉस। अब इसमें क्या कर रहा है इंडेमनिटी में, कि जो भी पर्सन है वो उस कंडीशन पे अगर कोई भी लॉस होता है, उसका कोई भी सामान ख़राब होता है इंश्योरेंस में, या फिर उसके यहाँ कुछ आग लग जाती है, तो केवल वो एक्चुअल अमाउंट ही कंपनसेशन के रूप में ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। जो भी जितने का इंश्योरेंस हुआ है प्लस साथ ही साथ जिस चीज़ का इंश्योरेंस हुआ है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी के मालिक ने अपने वेयर हाउस का इंश्योरेंस कराया है और उसी के साथ साथ, अब इंश्योरेंस तो कराया ही है, उसके बगल में उसका कुछ कोई ऐसी कार रखी हुई है जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ है, और वेयर हाउस में आग लगती है और उसी के साथ साथ अब कार में भी आग लग जाती है, तो उस कंडीशन पे अब इंश्योरेंस कंपनी केवल वेयर हाउस के लॉस को कवर करेगी, कार के लॉस को कवर नहीं करेगी। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि कंपनी प्रॉमिस करती है कंपनसेट करने के लिए आपके लॉस को, और उतना ही लॉस जो आपने कवर करवाया है एक्चुअली सफ़र, जो भी लॉस आप एक्चुअली सफ़र कर रहे हो, कंपनी केवल आपको उतना ही पेमेंट देगी, उससे ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं देगी। अब अगर आपने कार का इंश्योरेंस कंपनी से नहीं कराया तो आपको कार का कवर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं कॉजा प्रोक्सिमा। दिस प्रिंसिपल सेज दैट इंश्योरेंस कंपनी इज़ ओनली लाइबल फॉर द नियरेस्ट लॉस, नॉट द कनेक्टेड लॉस। अब पहले हम समझते हैं नियरेस्ट लॉस और कनेक्टेड लॉस होता क्या है। देखिए, नियरेस्ट लॉस का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ का नुकसान हुआ, जिस चीज़ का आपने इंश्योरेंस कराया था उस चीज़ का नुकसान हुआ, तो उसको हम लोग बोलेंगे नियरेस्ट लॉस। अब कनेक्टेड लॉस में क्या आएगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं,
आपने कोई कंपनी से एक हेल्थ इंश्योरेंस कराया। अब हेल्थ इंश्योरेंस में आप बीमार हो जाते हो, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, और जैसे ही आप अपने घर पे बताते हो तो आपकी इस बात हॉस्पिटलाइजेशन की बात सुन के घर में लोग घबरा जाते हैं या फिर लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हो कि नहीं मुझे अपना तो लॉस, मेरे मतलब मेरी बीमारी से मेरा तो लॉस हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ मेरे घर वालों का भी लॉस हुआ है। तो उस कंडीशन पे इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सारे पेमेंट्स मिलेंगे। कॉजा प्रोक्सिमा कहता है कि केवल आपका जो लॉस हुआ है, जिसका आपने इंश्योरेंस कराया था, वही चीज़ यहाँ मिलने वाली। कनेक्टेड लॉस के बारे में हम यहाँ बात नहीं करते। कनेक्टेड लॉस के लिए इंश्योरेंस कंपनी कोई भी पेमेंट आपको नहीं करेगी। कॉजा प्रोक्सिमा नियरेस्ट लॉस की बात करता है, कनेक्टेड लॉस के बारे में बात नहीं करता। तो अब कोई किसी ने आपके बीमारी के बारे में सोचा और उसका हार्ट अटैक हो गया, तो अब इस कंडीशन पे उसके हार्ट अटैक का कोई भी पेमेंट कंपनी नहीं करेगी, केवल आपके बारे में कंपनी सोचेगी और आपका ही पेमेंट करेगी। इसलिए कनेक्टेड चीज़ें यहाँ पे कवर्ड नहीं होती हैं। नेक्स्ट आते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। इट इज़ द लीगल ड्यूटी ऑफ बोथ द पार्टीज टू गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर वाइल सेलिंग परचेजिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेक व्हेन इंश्योरेंस पॉलिसी टेक प्लेस। इसमें क्या है कि अगर कोई भी इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो उस समय जो भी क्वेश्चन इंश्योरेंस का एजेंट पूछता है पार्टी से, पॉलिसी होल्डर से, तो उस कंडीशन पे उसको हमेशा करेक्ट चीज़ें बतानी चाहिए। अगर वो गलत चीज़ बता रहा है तो उस कंडीशन पे क्लेम के टाइम पॉलिसी कैंसिल हो सकती है। तो अटमोस्ट गुड फेथ कहता है कि दोनों ही साइड से, दोनों ही लोगों को, इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस एजेंट को, और साथ ही साथ हमारे जो पॉलिसी होल्डर है, दोनों को ही ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई भी गलत बात न बताएं। मतलब कंपनी अपने तरफ से गलत न बताए, कोई गलत टर्म एंड कंडीशन न बताए, या फिर कोई टर्म एंड कंडीशन छुपा न ले, तो ये सब न करे। तो अटमोस्ट गुड फेथ दोनों ही पार्टीज़ को एक तरीके से क्लियरली बोलता है कि अगर आप कोई भी गलत चीज़ बताते हो जो कि पॉलिसी में नहीं है, तो उस कंडीशन पे वो पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस। दिस प्रिंसिपल सेज दैट द पॉलिसी होल्डर शुड टेक ऑल पॉसिबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इंश्योरेंस, जिसने भी इंश्योरेंस लिया है, पॉलिसी होल्डर है, अगर कोई लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन पे उसको हर एक स्टेप लेना चाहिए उस लॉस को कम करने के लिए। इस चीज़ को एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक वेयर हाउस है, वहाँ पे आग लग गई, तो उस कंडीशन पे अब जो वेयर हाउस का मालिक है वहीं पे वो बैठ के आराम से बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन पे अगर बाद में इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर आएंगे और उनको अगल बगल से पता चलता है कि नहीं, जैसे ही लॉस हुआ था, ये इंश्योरेंस, ये जो कंपनी की ओनर थे, वो आराम से बैठे हुए थे, तो उन्होंने कोई भी पॉसिबल स्टेप्स नहीं लिए उसको आग को बुझाने के लिए, तो उस कंडीशन पे उनकी पॉलिसी कैंसिल हो सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी कहती है कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना चाहिए, आप तो एकदम रिलैक्स हो गए कि हाँ मैंने इंश्योरेंस किया, करा लिया, तो कंपनी पूरा करेगी। नहीं, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस क्लियरली कहता है कि आपको भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, आपको एटलीस्ट फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए कि आप वो आग बुझा सको, नहीं तो सर्वेयर उस पॉलिसी को बाद में कैंसिल कर सकता है मिटिगेशन ऑफ लॉस के अंतर्गत। तो इसको याद करने के लिए स्टूडेंट्स, आपके लिए जो हमने कोड बनाया है CID ICU, उसमें मिटिगेशन ऑफ लॉस नहीं है, इसको आप अपने से ऐड कर लीजिएगा। और हमने कोशिश किया कि इस वीडियो को पूरा समझाने के लिए। अगर आपको लगता है कि हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ आपको अगर और किसी वीडियो में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग आगे चल के उसके वीडियोस को बना देंगे। थैंक यू।